नमस्कार छात्रों, तो कल हमने आपको समास में चर्चा किया था, समास के बारे में बताया था, समास का अर्थ क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। तो चलिए हम दोबारा आपसे चर्चा कर लेते हैं समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति को या योजक पदों को हटा करके एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। और समासों की संख्या होती है 6, जिसमें आपका द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है और अव्ययी भाव समास है। लेकिन हाई स्कूल के सिलेबस में केवल 4 ही समास आपको पढ़ना है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो हमने कल द्वंद्व समास की चर्चा की थी, तो आप फिर से पुनः एक बार रिविजन कर लीजिए कि द्वंद्व समास होता क्या है। हमने आपको बताया था कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समास में दो पद होते हैं, एक उत्तर पद होता है और एक पूर्व पद होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है। उसके बाद पहचान अभी नहीं जान पाते हैं, उसके बाद पहचान का चिन्ह क्या होगा, योजक चिन्ह लगा होगा, जैसे रात दिन। रात दिन में देखिए योजक का चिन्ह लगा है, सुबह सवेरे तभी रात को भी बीच में जहाँ पर भी योजक का चिन्ह लगा होगा आप तुरंत जानेंगे कौन सा समास, जहाँ पर भी योजक का चिन्ह लगा होगा वहाँ पर आप तुरंत जानेंगे द्वंद्व समास। उसके बाद चलते हैं, जब आप समास विग्रह तब भी नहीं पहचाने में दिक्कत हो रही है, जब भी आप द्वंद्व समास आएगा, जब भी आप समास विग्रह करेंगे तो वहाँ पर आपको या, एवं और जैसे सत मिलेंगे, जैसे रात दिन। रात और दिन का जब आप समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रात और दिन, सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में जो चिन्ह लगा होगा जब आप समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुबह और सवेरे। इस प्रकार से द्वंद समास जहाँ भी होगा वहाँ पर जो चिन्ह लगा होगा। और अगर आपको इसकी परिभाषा लिखी होगी तो आप लिखेंगे द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, समास विग्रह करने के लिए दोनों पदों के मध्य या और एवं सद लगाना पड़ता है। जब भी आप द्वंद समास की परिभाषा लिखें क्या लिखेंगे, द्वंद समास में दोनों पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होता है, फिर और समास विग्रह करने पर और एवं या सद मिलता है, वहां पर क्या होता है, द्वंद समास। एग्जाम्पल है अमीर गरीब, देखिए अमीर अमीर गरीब, हमने आपको बताया था पहचान का तरीका क्या है, बीच में योजक का चिन्ह लगा होगा और जहां पे योजक का चिन्ह लगा होगा या एवं और जैसे सत आएंगे, कब आएंगे, समास विग्रह करने पर। चलिए द्वंद समास की चर्चा हो गई है, अब हम आते हैं द्विगु समास पे। तो द्विगु समास में हमने आपको बताया है इसमें केवल उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि पूर्व पद की कोई प्रधानता नहीं होती, केवल उत्तर पद प्रधान होता है। पहचानने का तरीका क्या बताएंगे, प्रथम पद संख्या वाची होगा, अर्थात जहाँ पर भी द्विगु समास होगा वहाँ पर प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होगा, संख्या वाची होगा, यानी कि संख्याओं को बताएगा, जैसे त्रिफला, त्रिफला, त्रिफला में देखिए त्रि माने तीन, फला माने फल, तीन फल, ठीक है, त्रिफला में जैसे तीन फल, सप्ताह, सप्ताह माने सात, भाई सप्ताह का मतलब क्या होगा, सप्त माने सात, यानी कि सात दिन। देखिए इसमें प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद क्या हो गया, सप्ताह दिन, सप्ताह, सप्ताह देखिए सप्ताह, सप्ताह में जब आप करेंगे सात दिनों का क्या होगा, सात दिनों का समूह, सात दिनों का समूह, सात दिनों का समूह, यानी कि प्रथम पद क्या हो गया, संख्यावाची हो गया। चलिए और हम आएंगे चवन्नी, चवन्नी क्या जाइए, चवन्नी क्या है आपकी, चवन्नी, चवन्नी क्या होता है, चार आनों का समूह, चवन्नी का मतलब क्या होता है, चार आनों का समूह, चार आनों का समूह, ये किसका एग्जाम्पल है, द्विगु समास का। और हमने द्विगु समास में आपको बताया है पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। चलिए एक कर लेते हैं, पंचवटी का मतलब क्या होता है, पांच
वटों का समूह। पंचवटी का मतलब क्या होता है? पांच वटों का समूह। ठीक है, उसके बाद आइए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यानी कि आठ अध्यायों का समूह। आठ अध्यायों का समूह यानी कि द्विग समास जहां भी होगा वहां पर प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। और उदाहरण में आप लिख सकते हैं जो है दोराहा, त्रिभुवन, पंचवटी, अष्टाध्यायी, नवरस, इस तरह से आप एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले समास पे। अगला है आपका कर्मधारय समास। अगला कौन सा है? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है यानी कि इसमें पूर्व पद प्रधान नहीं होता। पहचान का क्या तरीका है? पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है यानी कि पहला पद जो होगा वो उत्तर पद की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा यानी कि पहला पद क्या होगा? उपमान होगा। बात समझे? जैसे हमने बताया है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पहले पद की प्रधानता नहीं होती है, लेकिन जो पहला पद क्या होता है इसमें? पहले पद की प्रधानता नहीं होती है लेकिन उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। फिर उसके बाद अगर आपको दिक्कत हो रही पहचान करने में, पहला पद जो भी होगा क्या करेगा? उपमान होगा यानी क्या करेगा? उत्तर पद की क्या होगा? विशेषता बताएगा। एग्जाम्पल में समुद्री को लिखा है नील गाय। नील का मतलब इसका रंग शो हो गया। नील का मतलब भाई विशेषता तो बता रहा है किसकी? गाय की। गाय की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। कौन? नील यानी कि नील गाय। नीला है जो गाय यानी कि वह गाय जो नीली है। विशेषता कौन बता रहा है? नीला ना, अलग से है, रंग से है। उसके उसके बाद आ जाओ नीलांबर। नीलांबर नीला क्या हो गया? नीला तो रंग हो गया ना। ये आपकी कौन? अंबर यानी कि आकाश की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। कौन? नीला। फिर उसके बाद आ जाइए विद्याधन। विद्याधन यानी कि विद्या जो है रूप क्या है? विद्याधन यानी कि विद्या रूपी धन। जो धन है वो किस रूप में है? विद्या रूप में है यानी कि विशेषता कौन बता रही है? विद्या बता रही है। मुख कमल, यहाँ जाओ मुख रूपी कमल। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है मुख जो है किसके समान है? कमल के समान है। तो यहाँ पे उपमा दी जा रही है। किसकी उपमा दी जा रही है? कमल की उपमा दी जा रही है। ठीक है, फिर चंद्रमुख जैसे हो गया, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख यानी कि मुख तो है लेकिन किसके समान है? चंद्रमा के समान है। चंद्रमुख, चंद्रमुख का मतलब चंद्रमा के समान मुख, अर्थात जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। तो विशेषता कौन बता रहा? चंद्रमा तो बता रहा है मुख यानी कि जो मुख है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान है। फिर उसके बाद चलिए घनश्याम। घनश्याम, घनश्याम आ जाओ। घनश्याम घर माने बादल, श्याम भैया सांवले, सांवले बादल। घनश्याम में आ जाओ। घनश्याम में देखो घनश्याम मतलब क्या होता है? घन माने बादल, श्याम माने काले या सांवले। तो काले मतलब काले बादल, काले बादल। तो बादल जो है कैसे हैं? काले हैं। तो बादल क्या बता रहा है? बादल की विशेषता बता रहा है। पीत, पीत कमल, पीत कमल में आ जाओ। पीत कमल, पीत माने पीला, कमल माने कमल यानी कि जो कमल है वो क्या है? पीला है। कमल जो है क्या है? पीला है। तो पीला क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बहुव्रीहि समास पे। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास का टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे लेकिन आज जी बहुव्रीहि समास जो होता है, बहुव्रीहि समास जिस समास में पहला तथा दूसरा पद दोनों प्रधान, यानी कि बहुव्रीहि समास में पहला और दूसरा पद प्रधान ना हो करके कोई तीसरा अर्थ निकलता है वहां पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, 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 दशानन आप जानते हैं किसको कहते हैं? रावण को। दशानन, दशानन मतलब रावण, रावण यानी कि दस माने दस, सिर्फ जिसके दस है सिर्फ जिसकी अर्थात रावण। तो ये देखो इसमें दोनों पद क्या है? दोनों पद प्रधान नहीं है, अर्थात ये अर्थ किसी तीसरे को जा रहा है। जा रहा है भाई दशा माने दस और न
हनन माने से जिसके 10 सिर हों अर्थात रावण। ठीक है, तो बहुव्रीय समास का जो टॉपिक है ये आपको हम कल पढ़ाएंगे। बाकी आप जो है ये जो समास पढ़ाए जा रहे हैं इसको जो है पढ़िए। धन्यवाद।